आज हम आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, जिसे हमने नारियल की मलाई और मखाने से बनाया है। और ये नारियल की मलाई और मखाने से हमने बर्फी बनाया है, जिसमें हमने घी का भी यूज नहीं किया है और ना ही चीनी का। और ये मीठी भी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो इसे आप एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके लिए 100 ग्राम मखाना लिया है और इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, जिसमें से ये बारीक कटा हुआ काजू है, चिरौंजी है और ये किशमिश है, और ये बहुत ही सॉफ्ट वाले जो खजूर आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट खजूर होते हैं, उसे हमने लिया है। और ये हमारे पास नारियल की जो मलाई, जो पानी वाले नारियल होते हैं उसमें जो मलाई निकलती है, उससे हमने ये बर्फी को बनाना है। तो इसके साथ हम खजूर को पीस लेंगे, इस तरह से इसका बीज निकाल लेंगे सारे खजूर के, और इसे हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम मखाने को भून लेते हैं। मखाने को हम थोड़ा सा भून लेंगे कढ़ाई में, इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। इसमें हमने कोई भी घी नहीं दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे बिना घी के भूनेंगे, जिससे कि मखाना अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। तो आसानी से इसका पीस कर पाउडर बना सकते हैं। तो ये मखाना हमारा बिल्कुल भून चुका है, इसे हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। और ये ठंडा हो चुका है मखाना, तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका एक बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने मखाने को पीस लिया है और ये बहुत ही बारीक हमने पीसा है, क्योंकि इससे हमें बर्फी बनाना है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, इस बर्तन में हमने निकाल लेना है मखाने को। और अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसी मिक्सी के जार में जो हमने नारियल के मलाई और खजूर को रखा है, उसे हम पीस लेंगे। और ये सारे नारियल और खजूर हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और ये हमारे पास जो नारियल है, ये जिसका हम नारियल पानी पीते हैं उसमें ये सॉफ्ट वाले नारियल निकलते हैं, तो उसी का हम बर्फी बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो पीसने में बहुत आसानी से पेस्ट बन जाता है। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है और ये अच्छी तरह से बिल्कुल पीस चुका है। तो अब हम जो मखाने का पाउडर हमने पीस के रखा है, उसे भी इसमें डालकर एक बार इसे चला देंगे, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये बर्फी बन के तैयार होगा। तो अब देखिए, ये जो हमने पीसा है उसे निकाल लेंगे, और इस प्लेट में हम इसमें हमने सूखा मखाना लगा के रखा है, तो इसे निकाल लेंगे, जो हमने मखाना और नारियल और खजूर को पीसा है उसे निकाल लेंगे। और इसे हम हाथों से अच्छी तरह से, हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से हाथों से फैला लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसे हम अच्छी तरह से फैला कर इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, सेट होने के लिए। इस तरह से हाथों से भी अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे बहुत अच्छी तरह से फैला लिया। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो हमने काट के रखा था काजू बारीक कटा हुआ, और ये चिरौंजी है, इसे भी डाल देंगे, और ये किशमिश। और अच्छी तरह से इसे फैलाने के बाद हम एक चाकू की मदद से इसे हम सेट कर लेंगे, और चाकू में दोनों साइड से हम अच्छी तरह से घी लगा लेंगे और इसे हम दबाते हुए सेट कर लेंगे। और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा।
और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो इसे इस तरह से हम काट लेंगे। आप इसे जिस भी शेप में काटना चाहें काट सकते हैं बर्फ़ी को। हमने इसे तिकोने से शेप में काटा है और ये अच्छी तरह से कट चुका है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमने निकाल लिया है और इसके ऊपर नारियल को कद्दूकस के करके हमने ऊपर से डाल दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बर्फ़ी बनती है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी रेसिपी है, इसमें कोई भी चीनी और घी का यूज हमने नहीं किया है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। इसे आप व्रत में बना सकते हैं और आराम से रख सकते हैं, 1-2 दिन आराम से फ्रिज में रह सकता है ये। तो आपको हमारा आज के रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और ये आप देख सकते हैं, देखने में भी इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है आपको। इसे हम तोड़ के दिखा रहे हैं, हमने जो इसमें खजूर डाला उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।